माय चैनल। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, डॉक्टर सुमैया हियर, वेलकम टू माय चैनल वंस अगेन। आज हम लोग बात करने वाले हैं रेटिकुलोपैथी के बारे में। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले मैं बताती हूँ रेटिकुलोपैथी मतलब क्या होता है। रेटिकुलो मतलब होता है नर्व, पैथी मतलब पैथोलॉजी, नर्व की पैथोलॉजी मतलब अगर आपकी नर्व किसी वजह से आपको परेशान कर रही है, उससे होने वाली प्रॉब्लम क्या होती है, उसको हम लोग रेटिकुलोपैथी है। सो सबसे पहले क्या होता है ना, रेडिकुलोपैथी नर्व्स हमारी पूरी बॉडी में हर जगह पे सेंसेशन जो हो रहा है वो नर्व की वजह से हो रहा है। हमारी बॉडी में सेंसरी और मोटर रिस्पॉन्स बॉडी हमारे शरीर से कनेक्ट करती है थ्रू नर्व्स। किसी वजह से क्या होता है, एज रिलेटेड हो गया, ट्रॉमा हो गया, डिजनरेटिव प्रॉब्लम हो गई, बहुत सारी दिक्कतें हैं, अगर आपको इंजरी हुई है, वो सारे रीजन की वजह से क्या होता है, हमारी जो नर्व पैटर्न है वो डिस्टर्ब हो जाती है, वो या तो इन्फ्लेम्ड हो जाती है या तो फिर वो प्रॉपरली वर्क करने नहीं लगती है, जिसकी वजह से हमें क्या होता है, ये सारे प्रॉब्लम आती है। अब ये सारी प्रॉब्लम में क्या, जैसे इन लोगों को नर्व की प्रॉब्लम होती है, उन लोगों को सूनपन लगता है, हाथ में मूंगी आती है, जलन होती है, भारी भारी लगता है, ठीक है, दर्द आता है, ये 5 सिम्टम्स है आपको जो होता है आपको रेडिकुलोपैथी में, ठीक है। रेडिकुलोपैथी हम लोग अगर बात करें तो हमारा सर्वाइकल से देखते हैं, सर्वाइकल एक एरिया है जहाँ पे 7 वर्टिब्रा होता है, फिर हमारा थोरेसिक है 12 वर्टिब्रा, फिर हमारा लंबर वर्टिब्रा है अराउंड 5। तो ये सारे वर्टिब्रा में जो अलग अलग नस है अलग अलग रीजन के लिए सप्लाई, सर्वाइकल वर्टिब्रा से जो नसें निकलती है वो हमारे हाथ में आती है, कंधे में जाती है, एल्बोज में जाती है, फिंगर्स तक आती है, थोड़ी चेस्ट और अपर बैक में जाती है। थोरेसिक वर्टिब्रा हमारे ऑर्गन्स को मोस्टली और हमारे अपर बैक को सप्लाई करता है, और लंबार वर्टिब्रा से हमारे नस निकल के जाती है हमारी कमर में, हमारे पैरों में, हमारे बटक में, ग्रॉइन के अंदर, उंगलियों तक हमारी जो नसें जाती है वो हमारी जाती है लंबार से निकल के, ठीक है। अभी क्या होता है ना, अगर हम लोग सर्वाइकल की बात करें, सर्वाइकल वर्टिब्रा में किसी वजह से अगर नस कंप्रेस हो रही है, हड्डियों के बीच में अगर स्लिप डिस्क हो जाने की वजह से नस कंप्रेस हो रही है, तो कंप्रेशन आने की वजह से क्या होता है, डिस्क जो है बल्ज हो गई, डिस्क बल्ज के बाजू में से नस पास होती है, तो डिस्क बल्ज जब निकलती है तो वो नस पे प्रेशर डालने लगती है, वो उसको इरिटेट करने लगती है और उसको दबाने लगती है, ठीक है। उसी तरह से लंबार में भी अगर डिस्क बल्ज हो गई तो वो आपकी नस को कंप्रेस करेगी, नस कंप्रेस करेगी नर्व कंप्रेशन होगा, तो नर्व कंप्रेशन के वो जो हिस्से की नस होगी, चाहे वो पैर की है, चाहे आपकी घुटने की, पंजे की, काफ की, हिप की, वो उस जगह पे आपको महसूस कराएगी कि दर्द हो रहा है आपको, आपको मुंगिया आ रही है, आपको सेंसेशन इश्यूज हो रही है, ठीक है। तो पार्ट वन में मैं आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ रेडिकुलोपैथी के बारे में बताऊंगी, पार्ट टू और पार्ट थ्री, पार्ट टू में हम पूरा पूरा डिस्कस करेंगे कि हम ऐसे प्रिवेंट कर सकते हैं, पार्ट थ्री में मैं आपको इसके रिलेटेड सारी एक्सरसाइजेस बताऊंगी जिससे आप अपने नर्व ग्लॉस कर सकते हैं, नर्व ग्लाइड कर सकते हैं और अपने हाथ को अपनी बॉडी को जहाँ पे नर्व स्ट्रेच हो रही है वहाँ पे रिलैक्स कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।